तो अभी हम देखते हैं कि क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन ऐसे यूज किया जा सकता है। लेट सपोज हमने एक न्यू फाइल ले ली, एक और न्यू फाइल लेके और उसमें हमने साइज ले लिया कोई भी एक डिफरेंट, और उस पर फाइल में जाके यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करके हमने यहाँ से कोई भी पिक्चर ओपन कर ली, जैसे ये वाली पिक्चर थी एक। अब इस पिक्चर में मुझे करना ये था कि यहाँ से क्लिक करके ओके कर लिया, और यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन टूल लिया जिसमें इसको ऐसा ले लिया और कंट्रोल सी करके यहाँ पे ले जाके इसको रख दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब करना ये था कि ये इस तरह नहीं दिखाना, ये मुझे किसी शेप में दिखाना है, परफेक्ट शेप के अंदर। तो परफेक्ट शेप में कैसे दिखा सकते थे, अब मैं इसकी कटिंग वगैरह करता, उससे बेहतर मैंने इसको ऑफ किया, इसको क्लिक किया और एक और नया लेयर ऐड करा, और यहाँ से जाके मैंने वो शेप ड्रॉ किया। लेट सपोज ये शेप था ये वाला, इसके अंदर मुझे वो दिखा रहा है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने शेप टूल लिया, कोई भी कलर उसके अंदर मैंने फिल कर दिया, फिल करके ऐसे नो फिल कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको भी ऑन कर दिया, अब ये शेप इसके ऊपर आ रहा है। अब शेप को मैंने जो है इसको इस तरीके से अरेंज किया, कुछ इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल टी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट किया, और इसको इसके हिसाब से मैंने कुछ ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, और क्लिक करके अप्लाई कर दिया। अब इस पर राइट बटन दबा के क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को उठा के ऊपर कर दूंगा और इमेज और शेप्स के नीचे। तो राइट बटन दबा के जैसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा तो इसका वही हिस्सा विजिबल रहेगा जो इस शेप के अंदर आएगा, और दोबारा से राइट बटन दबा के रिलीज क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये पिक्चर दोबारा से रिलीज हो जाएगी। और इस तरह से मैं इसको फिर से ऊपर रख के शेप को एक दफ़ा फिर से क्लिक किया, कंट्रोल टी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको इसके साथ प्रॉपरली इंगेज किया, मैनेज किया, और इसके साथ मैंने इसके साथ ये इस तरह से रख दिया, ठीक है। और रखने के बाद मैंने क्लिक किया, इसको दोबारा ऊपर ले गया, लेयर को नीचे लिया, इस लेयर पे क्लिक किया, राइट बटन दबाया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, तो ये देखें प्रॉपरली इसके अंदर इस तरह से नज़र आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी शेप बना के उसके अंदर किसी भी पिक्चर का मास्क ले सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो सिर्फ उसका वही एरिया विजिबल होगा जो उस शेप के अंदर आ रहा होगा, बाकी हिस्सा ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करके इसका कुछ शेड बनाना चाहें तो इसके नीचे एक लेयर बना दिए, थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन बता रहा हूँ। तो इसमें से आपने यहाँ से ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेके क्लिक किया, यहाँ से इसके अंदर ये डार्क शेड लिया एक, ठीक है, क्लिक करके आपने फिर जो है इसके चारों तरफ ऐसे फेर दिया। अब ये ऐसे फेरेंगे तो बड़ा अजीब ही लग रहा होगा, तो हम थोड़ा सा इसको बाहर रख के हल्का सा इस तरीके से भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से फिर ये दिखाई देगा, और मज़ीद इसकी ऑपेसिटी या डार्कनेस को हम वहाँ पे फ्लो लेट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह का मामला हम इजीली बना सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई इमेज, कोई ह्यूमन इमेज है, उसको हम क्लिक करें, ओपन करें, और जैसे कि इसकी इमेज ले लेते हैं ये वाली, और इस इमेज में इसका ये एरिया हमें फोकस करना है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, पहले शेप इसके ऊपर जनरेट कर लें, किस शेप में दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप हमने इस पर बना दिया, और उस पर क्लिक करके कोई भी कलर भर दें इसके अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस पर क्लिक करके नीचे रखें, राइट बटन दबाएं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करें, तो सिर्फ कोई एरिया इसका फोकस रहेगा, बाकी एरिया इसका हाइड हो जाएगा। राइट बटन दबा के रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये दोबारा से सीधा आपको नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर कोई और इमेज है, फॉर एग्जाम्पल ये एक और इमेज की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि ये इमेज है, और इस इमेज में हमने यहाँ से क्लिक किया, अनलॉक किया, और एक शेप हमने इसके ऊपर क्रिएट कर दिया, सपोज टू बी, यहाँ पे क्लिक करके, और इसको हमने यहाँ से इस तरह से, चलो इस शेप पर डाल देते हैं, बनी गया, तो ये क्लिक कर दिया, और इसको उठा के इस तरह से हमने इसको इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रखा, इसको क्लिक किया, और यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है शेप पे जाके हमने यहाँ से क्लिक करके ख़त्म कर दिया, और इस पर क्लिक करके ऊपर रख दिया इसको उठा के, और ऊपर उठा के इस पर राइट बटन दबा के हमने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो ये देखें इस तरह का शेप ही क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इस फोटो को भी मैं ऐसे ही सेव करूं, तो अभी ऐसे सेव हो सकता है, फाइल में जाके इसको क्लिक करेंगे, सेव है, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे, PNG मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर जहाँ पर आपको उसको सेव करना है, सपोज टू बी ट्राइंगल इमेज के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं, तो ट्राइंगल इमेज के नाम से ये फाइल इसकी सेव हो जाएगी, ओके कर देंगे। अब आप देखें कि इस पिक्चर को अगर मैं क्लोज भी कर देता हूँ फिलहाल,
और अब वो भी इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर वो इमेज रिक्वायर्ड है, फाइल में गए, यहाँ से ओपन पे क्लिक किया और ट्राइंगल इमेज के नाम से जो मैंने पिक्चर सेव की थी उसको ओपन करेंगे। ये देखिए पिक्चर ऐसे नजर आएगी। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर का वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा जो कि इमेज वाला है, और उसको क्लिक करके यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट हो गया, ये देख रहे हैं इमेज का यही हिस्सा आया। मतलब आमतौर पे आपने देखा ना इमेज स्क्वायर में ही सेव होती है, तो आप इस किसी भी शेप में सेव कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल में कर सकते हैं, सर्किल में कर सकते हैं, ट्राइंगल में कर सकते हैं। उसको इस तरह से मास्क करके फिर आप उसको सेव एस PNG करेंगे या JPG करेंगे। JPG में करेंगे तो बैकग्राउंड वाइट आएगा, PNG में करेंगे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आएगा, तो वो किसी भी दूसरे इमेज पर इजीली एडजस्ट हो सकेगा। तो ये वो ट्रिक्स हैं जो आप फोटोशॉप में अगली जो भी चीज़ें सीखेंगे तो उस पर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँगा। तो